नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय बिलिंग पैड के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर की एक नए ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप माय बिलिंग पैड का रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का ज्वेलरी सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया है, तो आप स्टार्टिंग का जो सेटअप है कंपनी का, जो आपका पूरा फिल करना है कंपनी नेम और उसके एड्रेस, वो सब साथ में प्रोडक्ट कैसे एड करना है, और यहाँ पे जो छोटे मोटे सेटिंग जैसे आपका प्रिंटर सेटिंग, ये सब कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम एक फर्स्ट ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ये पूरा सेटअप करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं तो आपको देखिए सिंपली आपको डैशबोर्ड दिख जाता है। डैशबोर्ड में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे मास्टर एंट्री में आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, और जैसे आप मास्टर एंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन आएगा कंपनी इन्फो। आपको कंपनी इन्फो में यहाँ पे सबसे पहले अपने जो भी आपका ज्वेलरी शॉप है उसका नाम लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप डेमो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका एड्रेस जो भी होगा मैंने लोकल लिखा है, यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिया है। एक कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपका होगा डालेंगे, आपका ईमेल आईडी, आपका जीएसटी नंबर है तो डालिए, नहीं है तो आप स्कीप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना यूपीआई आईडी डालना है, यहाँ पे आपका अपने शॉप का नेम डाल देना है सिंपली, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सब कर लेना है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे ब्राउज का जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लोगो जो आपके शॉप पे लगाना चाहते हैं बिल पेपर इनवाइस, वो लोगो यहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा जो हमें सेटअप करना पड़ता है दोस्तों, वो है हमारा यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे चले जाना है टर्मिनल सेटिंग, दिख रहा है आपको दोस्तों। टर्मिनल सेटिंग के जरिए क्या करते हैं हम, टर्मिनल सेटिंग के जरिए हम प्रिंटर की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, तो आपके पीसी में जो भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया होगा दिख जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का टाइप सेलेक्ट करना है। अब इसमें देखिए दोनों प्रिंटर सपोर्ट करता है, जो आप लेजर प्रिंटर यूज करिए या तो थर्मल प्रिंटर। अगर आपको 3 इंच में 2 इंच में बिल लगाना है तो आप भी कुछ भी बताया कि हम थर्मल प्रिंटर लेते हैं। अगर A4, A5, A6 में हमको बिल चाहिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लेजर प्रिंटर। अभी हम यहाँ पे थर्मल प्रिंटर का यूज करना चाहते हैं तो थर्मल, और लेजर तो लेजर। अभी हम प्रेजेंट टाइम में लेजर प्रिंटर ले रहे हैं, और यहाँ से आप जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव बता रहा है क्योंकि हमने पहले से सेव करके रखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट भी करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। अब दूसरा बात जो आता है दोस्तों यहाँ पे आपको, कि आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, और आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट मास्टर में जाके यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए पहला यूनिट हमने डिफॉल्ट बनाया ग्राम का, तो यहाँ पे देखिए ग्राम का पहले से बना। अगर आप फुल ग्राम में लिखना चाहते हो, जीएम की जगह पूरा ग्राम लिख के आए, तो आप यहाँ पे भी लिख के अपडेट कर सकते हैं। कोई नया यूनिट बनाना तो आप नो पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले काम करना होता है आपको, फर्स्ट स्टेप भी, कस्टमर पे जाके आपको क्लिक करना पड़ता है कस्टमर से। यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर जो बनता है कैश का, अभी इसमें पहले से कस्टमर बना हुआ है, नहीं तो यहाँ पे देखिए आपका C3001 करके ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपको डालना होता है कैश, और यहाँ पे आपको जो आपका एड्रेस होगा वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के तौर पे लोकल डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना होगा फर्स्ट टाइम, कौन सा स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ। सिटी अपना डाल देंगे जो भी होगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालना तो डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर मैंडेटरी है तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको फोटो लगाना है कंपनी या किसी चीज का ब्राउजर के लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली क्या करना, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाए। यहाँ पे बता रहा है कि एंटर कॉन्टेक्ट नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने पहले ही कैश नाम से इसको रजिस्टर्ड कर लिया है, तो नहीं रजिस्टर्ड होगा। अब जो मैंने रजिस्टर्ड किया उसको देखेंगे कहाँ से, तो आप यहाँ पे देखिए गेट डाटा पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो हमारा रजिस्टर्ड हुआ सेम यही हुआ, दिख रहा है कैश लोकल लोकल। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले एंट्री कैश की बनानी है कस्टमर एंट्री में, उसके बाद आप जो भी कस्टमर के नाम पे बिल बनाएंगे उनकी एंट्री बनेगी, बट पहली एंट्री जो है कैश की ही बननी चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब अगला ऑप्शन आता है, देखिए इतना करने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर का सेटअप है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, देखिए प्रोडक्ट आइटम, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को जो भी है ऐड कर सकते हैं। मैं एक प्रोडक्ट भी आपको ऐड करके सिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया झुमका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, बियर, बियर मतलब कितने कैरेट का है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 24 कैरेट। और उसके बाद क्या करना है, 24 कैरेट के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्शन कोड जो भी है तो डालिए, नहीं है तो जीरो डालिए। अब यहाँ पे लाइव रेट का जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे सिंपली यस करके रखना है,
आपको अपने स्टॉक अगर पहले से कुछ है, मान के चलिए हमारे शॉप में 20 ग्राम अभी प्रेजेंट टाइम में ये प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो डाल देंगे ओपनिंग स्टॉक, 100 ग्राम बचा होगा, 100 ग्राम जो भी होगा आपके पास। परचेस यूनिट यहाँ पे हम ग्राम लेंगे और सेल यूनिट को भी हमको ग्राम लेना है। अब उसके बाद आप बात आती है मेकिंग चार्जेस की, तो आप यहाँ पे मेकिंग चार्जेस ले लीजिए परसेंटेज वाइज, वेट वाइज, पीस वाइज, जो भी आपको लेना है। जैसे मुझे परसेंटेज वाइज लेना है, परसेंटेज लिया, 5% मुझे मेकिंग चार्ज लगाना है, मैंने 5% लिया और यहाँ पे मैंने सेट पे क्लिक कर दिया, सक्सेसफुली सेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि आज का डेट नहीं शो कर रहा, 27/8/2024 का अपडेट दिखा रहा, तो मुझे क्या करना है, आज का डेट यहाँ पे लगाना है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखिए मास्टर में जाना है, मास्टर में जाने के बाद गोल्ड मास्टर में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए सबसे पहले आप 16 कैरेट का 1 ग्राम का जो भी वैल्यू हो डाल दीजिए, जैसे आज 16 कैरेट का 6000 रुपए है, 18 कैरेट का सपोर्ट 6500 रुपए है, 22 कैरेट का सपोर्ट 6700 रुपए है, मैं एग्जांपल के तौर पर डाल रहा हूँ, रेट कुछ भी हो सकता है, और ये 7000 रुपए है, ठीक है। और सिल्वर का जो रेट है वो 100 रुपीज है पर ग्राम। यहाँ पे हमने जितने भी रेट डाले हैं पर ग्राम पे डाले हैं, सिंपली इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा अभी यहाँ पे उसको क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को एक बार लॉग आउट कर देना है, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। हम पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जल्दी सॉफ्टवेयर वाले अपने ऑप्शन पे फिर से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यस बटन पे हम क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली जैसे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा आपको उसका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के सॉफ्टवेयर पे लॉगिन कर लेना है। ये देखिए एडमिन और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला अपने सॉफ्टवेयर का और उसके बाद हमने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया आप देख पाएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है और आज के डेट का यहाँ पे देखिए टोटली ऑटोमेटिक जो रेट है वो अपडेट हो चुका है। तभी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था, जैसे मैंने यहाँ पे झुमका प्रोडक्ट ऐड किया था, हम सेल पीओएस F4 बटन पे जाएंगे, ये देखिए सेल पीओएस है, जब आने पीओ ऑप्शन आएगा मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंपली आपको नाम डालना है, देखिए अगर आपको कैश में बिल बनाना है तो यहाँ पे कैश, अगर आपको कस्टमर के नाम से बिल बनाना है तो आप नाइन में प्रेस करके यहाँ पे कोई भी नया कस्टमर या कस्टमर पे क्लिक करके बना सकते हैं, फिर उसी के नाम पे आप बिल जनरेट करेंगे। अभी हम बाय डिफॉल्ट कैश पे बना रहे हैं। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो भी नाम होगा, जैसे था यहाँ पे झुमका, मैंने यहाँ पे झुमका लिया, क्लिक किया, कितने ग्राम का था, नेट ग्रॉस वेट पूछ रहा है हमसे, ग्रॉस वेट हमने डाला 2 ग्राम, इंटर बटन प्रेस किया, नेट वेट 10 से 2 ग्राम, इंटर किया। यहाँ पे मेकिंग चार्ज बाय डिफॉल्ट देखिए 5% ले रहा है और यहाँ पे मेकिंग रेट जो आपका 350 रुपये 5% आ गया। किसके हिसाब से निकाल रहा है, 700 रुपये रेट है जो 24 का रेट का पर ग्राम का। यहाँ पे हम इंटर करते हुए चले जाएंगे तो इस प्रकार से हमारा बिल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम सेटल बटन पे क्लिक करेंगे, सेटल बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ देखिए ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए। अब आपको जैसे सब टोटल यहाँ पे 14,700 का बिल है, सामने वाले ने 15,000 रुपये आपको दे दिया, यहाँ पे 300 रुपये आप उसको रिटर्न करेंगे और यहाँ पे सेव एज प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एज प्रिंट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका बिल प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका बिल आएगा, क्योंकि अभी प्रिंटर इसमें मैंने नहीं लगाया, मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा सकूँ कि बिल कैसे आएगा। ये देखिए यहाँ पे प्योरिटी क्या है, 24 कैरेट की है, प्रोडक्ट का नेम, कितने ग्राम ग्रॉस वेट है, नेट वेट है, रेट क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है, इस हिसाब से आपका टोटल बन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना कैश मिला है, कितना चेंजेस आया है, चेंज आपने दिया है, और इस प्रकार से टोटल आपका बिल बन के आ जाएगा। रही बात बिल की, तो बिल आप अपने हिसाब से भी एडिट करा सकते हैं, जैसा बोलेंगे आप बिल एडिट करके मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।